नमस्कार लोकवाणी केस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आई सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुदास ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को दिलाई जल संचय की शपथ। एमजीएम अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने दिया राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना। जल संरक्षण को लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के छात्रों के द्वारा निकाली गई जल जागरूकता रैली जिसमें उपायुक्त रहे शामिल। और जीवनसाथी.com पर शादी के लड़की को पसंद करना पड़ा रांची के भोला कुमार को महंगा। लड़की के परिचितों ने युवक के जमशेदपुर पहुंचने पर की जमकर धुनाई। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुदास ने बिरसा नगर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान की शुरुआत की है। जी हां, वैसे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि जल संचय को लेकर 7 जुलाई से 15 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। वैसे इस अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुदास राजधानी रांची में 7 जुलाई को करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा जो शहरी इलाके में रहती है उनके प्रतिमा 1000 प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इधर मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र सदस्य अभियान की शुरुआत कर यह संदेश दिया कि सूरज भगवान पूरब में होते हैं और इसलिए हमने पूरब से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इधर इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। कि आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जो टारगेट पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में ली है, इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हम 50,000 से ज्यादा सदस्यता अभियान इस क्षेत्र में करेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अपने भी सदस्य बने, अपने परिवार में अगर माता है, बहने हैं, भाई है, बहन है, दादा है, नानी है, तो कार्यकर्ता स्वयं अपने परिवार से आपके परिवार का एक एक व्यक्ति सदस्य बने। हम अपने घर से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए एक एक घर, एक एक दरवाजा, एक एक गली जाकर हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता बनाकर हम फिर दुनिया को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से हम फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो ऐसे भी आदिवासी समाज हमारे वनों के निकट के रहने के कारण वन का संरक्षण करते हैं, तो 7 जुलाई से 15 सितंबर प्रतिदिन सभी आम जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता, हम जल का प्रबंधन, ये बरसात का पानी हम कैसे रोके ताकि जल का हमारा नीचे आपका घर भरे, जो खाली हो भरे, आने वाले समय में पानी संकट ना हो, और इसलिए इस काम में भी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर ये जल संचय, जल प्रबंधन एक एक लोग की जिम्मेदारी है। इस बरसात के पानी को हम अगर पहाड़ में है तो पहाड़ के नीचे अगर एक लंबा हम शरमदान करके गड्ढा खोद दे तो पूरा पहाड़ का पानी, अगर यहाँ गड्ढा खोद देंगे पूरा पानी रिचार्ज होगा। तो अपने अपने मोहल्ले टोले में गांव वाले बैठक करके, कस्बे मोहल्ले के टोला के बैठक करके, ये जो बरसात का पानी नदी नाले से समुन्द्र में चल जाते हैं ये पानी को हम कैसे रोके, इसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम जनता करके आने वाले समय में पानी प्रबंधन की चिंता।
जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एनजीएम अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जी हां, आज प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कर रहे थे। साक्षी स्थित एनजीएम अस्पताल के गेट के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एमजीएम अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग राज्य सरकार से कर रहे थे। वहीं संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार दो मंत्री और एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहाँ पूरे कोल्हान की साथ साथ बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र से गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। इस अस्पताल की व्यवस्था को लेकर कई बार राज्य के खाद्य आपूर्ति अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री मौन धारण कर गरीब लोगों को मौत का तमाशा देख रहे हैं। वहीं देश के सभी सरकारी अस्पताल में सबसे खराब व्यवस्था एमजीएम अस्पताल की है, जिसे दुरुस्त करने की मांग हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से की जा रही है। इस देश के सबसे खराब सबसे कुप्रबंधित व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप एमजीएम जाएंगे या रिम्स जाएंगे या धनबाद के जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या कहीं पर भी सदर हॉस्पिटल में जाएंगे, तो जिस बीमारी के साथ आप भर्ती होते हैं उसका तो इलाज होगा नहीं, लेकिन तीन चार और बीमारी लेकर के आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर सहयोग राय जी इतने साल से जो है भाजपा जनता को गुमराह कर रहे हैं, और कभी भी जब इतनी संवेदनशील मुद्दे हम लोग उठाते हैं तो चुनाव के समय में जो है अनाप शनाप जो है विषय पर जो है पब्लिक का ध्यान भटका करके ये अपने चुनाव को जीतने के लिए कोशिश करते हैं। एमजीएम अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में सबसे खराब हॉस्पिटल एमजीएम होगा, गंदगी के मामले में, डॉक्टर बेड के मामले में, सफाई के बारे में। जिस प्रदेश में बच्चे लोग की मौत लगातार हो रही है हॉस्पिटल में, जिस प्रदेश में जो है साधारण बीमारी के चलते हुए लोग मर रहे हैं, जिस प्रदेश में जो है छोटा छोटा ऑपरेशन के लिए जो है प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, तो वो जंगल राज्य है। जमशेदपुर में से स्किल डेवलपमेंट सेंटर के छात्रों के द्वारा जल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। मानगो के 15 नंबर से यह जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें जिले के उपायुक्त ने सभी छात्रों को इस दौरान जल संरक्षण की शपथ दिलाई। जमशेदपुर 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर के छात्रों के द्वारा यह रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र तथा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। रैली मानगो के 15 नंबर से निकाली गई, जो पूरे क्षेत्र से लोगों को जागरूक करते हुए गांधी मैदान पहुंची। इसके बाद जिले के उपायुक्त ने सभी छात्रों को जल संचय की शपथ दिलाई। सभी छात्रों ने जल संचय का शपथ लेते ही दूसरों को भी अभियान से जोड़ने का प्रण लिया। जिले के उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि जल है तो कल है, और इसके साथ ही इस बात के महत्व को समझने और अमल करने की जिम्मेवारी हम सभी की है। मैं ना जल बर्बाद करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव गांव स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो हमारे प्रशिक्षु ट्रेनी हैं उन सभी लोगों के साथ एक जागरूकता रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसका उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में हम जल शक्ति को जन शक्ति के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर सकें और अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित कर सकें। जीवनशादी.com पर शादी के लिए लड़की को पसंद करना रांची के भोला कुमार को महंगा पड़ गया। जी हाँ, जहाँ लड़की के परिचितों ने युवक के जमशेदपुर आने पर उसके साथ जमकर धुनाई कर डाली। फिलहाल घायल युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है जीवनशादी.com पर शादी के लिए जमशेदपुर की लड़की के साथ रजामंदी हुई थी, जहां लड़की के परिजनों ने लड़की के घर जाकर जांच पड़ताल कर इस रिश्ते को दरकिनार कर दिया। उसके बावजूद दोनों युवक युवती साथ में लव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, और इसके बाद 3 महीने बाद ही लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया और किसी तरह का संपर्क करने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। वहीं युवक के जमशेदपुर आने पर कोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती में कमरे बंद कर युवती के परिचित संजय सिंह के द्वारा युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। पुनः भालूवासा में भी युवक की पिटाई की गई थी, जहां जानकारी मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते युवक को एमजे अस्पताल में भर्ती करवाया, और इस मामले को गंभीरता से लेते जिले के आरक्षी अधीक्षक नगर ने भी
एमजे अस्पताल आकर जांच पड़ताल की और आगे कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एक साल पहले सर शादी के नाम से शादी करने के लिए बुलाए थे हमको, कुसुम नाम की लड़की है वो, जीवन साथी डॉट कॉम के द्वारा हम आए और उसके बाद में उनसे मिले। मिलने के बाद जो है उनके पिताजी लोग हमारे घर गए देखने के लिए, तो उनके पिताजी को पसंद नहीं आया मेरा घर, तो उनके पिताजी मना कर दिए। तो लड़की से हम बोले तुम्हारा क्या है, तो लड़की बोली कि नहीं हम तुम्हीं से शादी करेंगे। और उसके बाद में वो जो है मेरे साथ में 2-3 महीना साथ में रही, साथ में रहना, सब कुछ काम में करना देखना। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद में फिर अचानक हम एक दिन बोल रही है कि नहीं अब तुमसे हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद हम बोले कि ऐसा क्यों की हो मेरे साथ में, सब कुछ लड़के का भी तो इज्जत होता है। मारपीट जो है संजय सिंह और उसके उसके पिताजी किए हैं, उसका भाई किया है राजशेखर, उनके पिताजी का नाम है राजशेखर, और उसके दोस्त लोग किए हैं सर। कितना लोग था? लोग 6 लोग था सर। तो रॉड से मारा है सर, उसके बाद बेल्ट से मारा है सर, उसके बाद जूता चप्पल से मारा है सर, रूम में बंद करके। वहाँ से घर से बोल के लाया कि चलो पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। हम बोले चलिए हम गलत नहीं है तो हम कहीं भी जाने में हमको कोई ही नहीं है। जो है हमको गोलमुरी थाना जो है उसके बगल में नामदा बस्ती है वहाँ पर हमको बुलाए, और उसके बाद जाने के बाद में जो है हमको लोग सब लोग गेट बंद कर दिए, और उसके बाद हम गांव वाले लोग हल्ला करने लगे तो हमको गाड़ी में बैठा के अपने ऑफिस ले लाए, नामदा बस्ती से हमको उठा के लाए और यहाँ संजय सिंह अपने ऑफिस में ला के मारे हमको सारे लोग। ये आपस में लड़के और लड़के का मामला है, इसी को लेके आपस में मारपीट हुई है 2 पक्षों में। हाँ, इसका इलाज करवा रहा हूँ। बताया कि लड़के लड़के का मामला है, इसी में आपस में मारपीट हुई है। और यह हम आपको बता दें, माँ विपत्तारिणी पूजा शहर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने दिन भर उपवास रहकर माता की पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के समीप माँ की पूजा अर्चना के लिए पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए होती है। इधर इस पर्व में प्रसाद के रूप में 13 फल चढ़ाया जाता है। वैसे इस पर्व को लेकर 2 दिनों पहले से महिलाएं तैयारी में लग जाती है। वैसे यह सभी मान्यता है कि पूजा करने से दुख दूर होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। जुगसलाई स्थित दुर्गा बारी में भी माता की भव्य पूजा अर्चना की गई। मान्यता ऐसी है कि माँ विपत्तारिणी की पूजा करने से परिवार में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। पूजा बच्चों पति लोग हैं और उपवास रहेंगे। अब अभी 1 बजे पुष्पांजलि होगा और 2 बजे प्रसाद वहाँ भी विपत्तारिणी का पूजा, इसमें सारे संकट दूर करने वाली माता है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि सारे विपद को दूर कर दे। इसीलिए माँ का नाम होगा विपत्तारिणी माँ। है जमशेदपुर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर एक सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा चुनाव है और जदयू ने पूर्व में ही झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु सदस्यता अभियान चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ा जा सके। वहीं इस दौरान इन्होंने शराबबंदी की मांग भी जोरों शोरों से उठाई है और इसके लड़ाई लड़ने की बातें कही गयी। चोरी, छिनता, बलात्कार, हत्या, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है, शराब और नशा। हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं, इस अभियान को तब तक रुकने नहीं देंगे जब तक पूरे झारखंड में हम लोग नशाबंदी, शराबबंदी लागू नहीं कर दे। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी में सक्रिय ऑल इंडिया कन्वाइन वर्कर्स यूनियन के खिलाफ कंपनी के कन्वाइन चालकों ने सभी के जिले के आरक्षक अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है। इसमें इन्होंने यूनियन की मान्यता रद्द होने की बातें कही, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की है।
इस दौरान इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कन्वाइन वर्कर्स यूनियन की मान्यता काफी पहले से झारखंड सरकार उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी में ये यूनियन अभी भी सक्रिय है। इन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधक मजदूरों पर दबाव बनाने के लिए इस यूनियन का इस्तेमाल कर इसे अभी से संचालित करवा रही है। यूनियन के नाम पर चांद घिने चुने जाने वाले कंपनी परिसर में अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, वहां अवैध वसूली भी की जा रही है। इन्होंने जिले के आरक्षक अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। कन्वाई चालकों के नाम पर निबंधन ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन का निबंधन झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया, बिहार सरकार ने रद्द कर दिया, शर्मायुक्त ने रद्द कर दिया, उसके बावजूद भी उस नाम का यूनियन जो है आज भी कार्यरत है, चल रहा है। मात्र टाटा मोटर के राजेश दास, महेश शरण और 500 ड्राइवर को लेकर एक गिरोह बनाकर यूनियन चल रहा, उसी का शिकायत आज हम लोग करने आए। ऑलरेडी जब यूनियन का निबंधन खत्म है, रांची हाई कोर्ट ने भी कर दिया है, तो ऐसा स्थिति में कार्रवाई चालकों का शोषण करने के लिए गुंडा टीम बना के रखा मैनेजमेंट टाटा मोटर, और उस टीम का विरोध हम लोग करते हैं, और उसका विरोध का ये नतीजा है कि आज वहाँ गुंडागर्दी का सीमा पार कर दिया टाटा मोटर, और मात्र ऑल इंडिया का नाम से गुंडागर्दी आज वर्षों से जारी है। इसके खिलाफ में हम लोग मांग किए हैं माननीय उपाय माननीय आर्थिक महोदय से कि यथाचित कार्रवाई किया जाए, इन लोगों पे कार्रवाई किया जाए कि ऑलरेडी सरकार के आदेश की अवहेलना, न्यायालय के आदेश की अवहेलना और श्रम कानून का आदेश की अवहेलना के साथ साथ कार्रवाई में गुंडागर्दी का माहौल बनाकर लाखों रुपये का अवैध वसूली किया जा रहा है। ये एक तरह से भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडागर्दी है, रंगदारी है, इसको कार्रवाई करने की मांग की हम लोग। जमशेदपुर के 4 निजी स्कूलों के द्वारा वंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन नहीं लिए जाने का विरोध अभिभावक संघ ने जताया है। जी हां, इसके खिलाफ जिले के उपायुक्त को एक शिकायत मांग पत्र इन्होंने सौंपा है, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बातचीत के क्रम में संघ ने कहा कि इन 4 निजी स्कूल प्रबंधक के द्वारा खुल्लम खुल्ला कानूनी का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके खिलाफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन आरक्षित सीटों पर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधक के द्वारा इन छात्रों के अभिभावकों को स्कूल के गेट पर से धुतकार कर भगाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये सभी अभिभावक मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनके द्वारा इनका अधिकार इनसे छीन लिया जा रहा है। शिक्षक अधिकार अधिनियम का उल्लंघन इन सभी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से इन सभी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मानकन से संबंधित है, 4 स्कूल है जमशेदपुर के, केरला पब्लिक स्कूल मानगो, माउंट व्यू स्कूल मानगो, साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो और डीवी पटेल नगर एग्रीको। इन 4 स्कूलों में कमजोर वर्ग के जो आवेदित अभिभावक हैं उनके बच्चे के नामांकन में पिछले 3 महीने से परेशानी आ रही है। बार बार अभिभावक जाते हैं और कुत्ते की तरह गेट से ही दुदुरा के इनको भगा दिया जाता है। खासपद स्थिति यह है कि जब 4 स्कूल के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के में मामला चल रहा है और आयोग द्वारा जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश भी दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी कानून की अवमानना करते हुए स्कूल अगर इस तरह की क्रियाकलाप अभिभावकों के साथ कर रहे हैं जो उनका कानून प्रदत्त अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में कानून की अवमानना हो रही, अभिभावकों की बेइज्जती हो रही। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास मांग को रखने आए हैं कि इस तरह की जो अभिभावकों के साथ अब स्कूल कर रहा है उस पर रोक लगेगा और बच्चों का नामांकन लेने का उनके माध्यम से आदेश दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में राजस्थान युवक मंडल के द्वारा राखी मेले का आयोजन शनिवार से किया गया है, जिसमें 3 दिवसीय इस मेले में एक से बढ़कर एक राखियां लोगों को मिलेगी जो पूर्णतः हाथों से बनी होगी। विगत 25 वर्षों से लगातार ये मेला राजस्थान युवक मंडल के द्वारा लगाया जा रहा है। राखी के पूर्व इस मेले को लगाया जाता है, जिसमें समाज की महिलाओं के हस्तकला के द्वारा निर्मित राखियों को लोगों के बीच में लाया जाता है। शहर की सबसे पुरानी मेलों में से ये एक है जो एक से बढ़कर एक हस्तकला का नमूना यहाँ देखने को मिलता है। कुल 15 स्टॉल यहाँ लगाए जाएंगे, जिसमें शनिवार से शुरू हुआ ये मेला सोमवार तक चलेगा। शहर के लगभग सभी जगहों से यहाँ राखी खरीदने के लोग पहुँचते हैं। नहीं, करीब 25 वर्षों से पूरा
राष्ट्र युवक मंडल जुगसलाई में लगाया जा रहा है। क्योंकि ये हमारे राष्ट्र युवक मंडल बहुत छोटी सी जगह है, इसलिए इसमें हम लोग 15 स्टॉल ही लगा पाते हैं, इससे बड़ी जगह यहाँ उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जमशेदपुर शहर में एग्जीबिशन लगाने वाली पहली संस्था है राजस्थान युवक मंडल, जिन्होंने इस प्रकार के मेले लगाने के लिए विचार में सोचा। और यह हमारा मेला करीब 25 सालों से लग रहा है, ये 3 दिवसीय, पहले हम लोग 4 दिन का मेला लगाते थे, लेकिन अब ये 3 दिन का मेला हमारा लगता है। जमशेदपुर के रोटरी क्लब ऑफ दलमा की तरफ से पंचायत सचिवालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कुल 50 फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, जिसके देखभाल पंचायत सचिवालय के द्वारा किया जाएगा। विगत 5 वर्षों से क्लब के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाकर बड़ी संख्या में विभिन्न इलाकों में पौधारोपण किया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने कुल 50 फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए। इनका देखभाल पंचायत सचिवालय में कार्यरत लोगों के द्वारा किया जाएगा। क्लब के सदस्यों ने इस दौरान कहा कि वृक्ष ही हमारे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ये वाला स्पेशल पौधा एक मिनट, मेरे को 2 लेना था ना। रोटरी क्लब ऑफ दलमा की तरफ से पंचायत सचिवालय पूर्वी की टी के कैंपस में 50 ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें से कि 30 हम लोग का फ्रूट्स वाले प्लांट है और 20 अशोका का प्लांट है। कि प्लांट ही है जो कि एनवायरनमेंट को प्योर और क्लीन रखता है, और इससे हमारा ऑक्सीजन भी मेंटेन रहता है और वाटर भी कंजर्व होता है। केयर टेकर तो हम लोग तो हैं ही इसका देखभाल करने के लिए, लेकिन हम लोग जिस इसमें लगा रहे हैं वो लोग भी इसका केयर करेंगे। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं। जमशेदपुर के टेलको स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल में स्प्रिंजा 2019 का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर के 15 बड़े स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सभी स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा और एक से बढ़कर एक हुनर का परिचय दिया। वैसे इस कार्यक्रम पूरी तरह से कला संस्कृति और विज्ञान पर आधारित था। इसमें स्कूल बच्चों ने अपनी सोच सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों के बीच प्रदर्शित किया। इसमें बच्चों ने रंगोली नृत्य संगीत के साथ लजीज व्यंजन बनाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे छात्र छात्राओं ने इसे एक बेहतरीन अनुभव बताया और कहा कि इससे छात्र छात्राओं को एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की कला सीखने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से संभावना भी जताई गई। My name is Dipshika and her name is Asta, and we are from Jusol School South Park, and we are spreading an awareness about the natural beauty of India and to conserve it. And to conserve it, because nowadays we are building so much of houses and destroying the nature of our India. So we are giving the awareness that we should conserve our nature and make our India beautiful. My name is Shreya Srivastava and I'm from Chennai. My event is solo singing. Yahan solo singing mein part liya hai maine. So it's a good event. It will help children to improve their skills in music. So and it will also decrease their stage fear that they are going through many years.
My name is Piyush Kumar Srivastava. I am from Chennai. First of all, I would like to congratulate Sukul Shiksha Niketan fraternity for all this well-organized events. And this ये जो इवेंट है इससे क्रिएटिविटी स्किल्स बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा जो बच्चों को बहुत ज़्यादा भविष्य में सर्टिफिकेट्स के हिसाब से अभी किसी भी तौर पर बहुत मदद करने वाला है। और अब चलें इस पर नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अगर दास ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को दिलाया जल संचय की शपथ। एमजीएम अस्पताल की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने दिया राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना। जल संरक्षण को लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के छात्रों के द्वारा निकाली गई जल जागरूकता रैली जिसमें उपायुक्त रहे हुए शामिल। और जीवनसाथी.com पर शादी के लड़की को पसंद करना पड़ा रांची के भोला कुमार को महंगा। लड़की के परिचितों ने युवक के जमशेदपुर पहुंचने पर की जमकर धुनाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।